ब्लू ठीक चल रहा, अटकर झटका तो नहीं लग रहा, कदे बीच में इनकी बात कट जाए, फिर इन्हें को हमारी बात रहेगी। कर दिया क्या उन्हें? कर दिया उन तो। हाँ ठीक है, सारे भाई ना राम राम भाई। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, और भाई हल्का बरोदा में घमासान चल रहा है, और भाई कितने सिलेंडर के जिक्र चल रहे हैं, और कितने दस्कर नोट के जिक्र चल रहे हैं, और कितने वोट खरीदने की बात चल रही है। न्यूका कह रहे हैं जितने मुँह उतनी बात, लेकिन भाई इस टाइम हम गाँव रिंडाणा में पहुंचे हाँ, और गाँव रिंडाणा की और सीट है भैया, और इस बूथ पर पहुंच रहे हैं सरकारी स्कूल है यू। तो भाई आ रहे थे इंदुराज नरवाल जो प्रत्याशी है कांग्रेस का, तो भाई आ रहे लोग भी बटले हो रहे हैं, मतदाता भी इकट्ठे हो रहे हैं। भाई क्या पोजीशन है सरपंच साहब है? राम राम करते आपके चैनल, राम राम। बड़े इमोशनल बोलो आप तो हैं। इमोशनल तो इस सरकार ने कर रखे हैं, इससे ज्यादा तो इमोशनल क्या करेंगे। और जो आप बता रहे हैं नोटों की बात, समझे उस नोटों से किसी से वोट तो कोई ले लेगा, लेकिन दिल नहीं खरीदा जाएगा। नहीं नहीं, वोट लेने में वोट लेने की देने की जो बात आवे है नी, तो जो सुनन मारी है देख, प्रमाण की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन जो सुनन की बात आ रही है नी, तो कांग्रेस का खेमा है वो भी घाट को निकाल रहा, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उन कंत भी। राम राम भाई, राम राम। तो दोनों कंत सुनन मारी है, कोई सिलेंडर बांटा है, कोई चूल्हे बांटा है, कोई नोट बांटा है, कोई आश्वासन बांटा है। हम तो कुछ नहीं बांट सकते, हम तो सिर्फ लोगों के दिल की बात कर सकते हैं। हम एक गरीब उम्मीदवार के पास खड़े हैं, विपक्ष में खड़े हैं सरकार के, और मैं इससे ज़्यादा तो इतना ही बताना चाहूँगा, आप मतदान केंद्र पर जाकर देखना, जो भीड़ जो लगी है जनता के पास, जो जोश है मतदान करने को, वो एक मान लेना सरकार के खिलाफ है, और उससे ज़्यादा आम आदमी समझ भी सकता है। लेकिन ये सरकार बड़ी हरामी है, दबाव में रखती है हर किसी को, और दबाव के इशारे आज भी गांव में ये मानना बहुत ही ज्यादा परेशान है जनता। चलो तो थोड़ी सी दूरी पे वोट पड़ने लग रही है, और अभी पहुंचेंगे हम आज मार गिल्ला, और भाई बिल्कुल कैमरामैन थी कहूंगा एक बार दिखा हुआ है भाई, यू जैसे हल्का बरोदा का गांव रिंडाणा, और रिंडाणा का भाई यू टेंट है जिसमें कि भाई कांग्रेस के ठाडे ठाडे समर्थक बैठे हैं। हाँ परला भी दिखा दिखा दे भाई, शर्माओ ना, दिखा दे, शर्माने की जरूरत को नहीं। हाँ दिखन दे भाई। तो भाई यह है गांव रिंडाने की पोजीशन है, और ये बाजो हाँ दिखा दिए भाई, कमाल है भाई, हमने सारे एक से, और ये बाजो भाई मार गया है जी, तो मतदान हो रहा है। तो भाई कुल मिला के मतदान जो है एक या देसी में फिल जम रही है भाई है। अरे तम के पिकनिक से मना रहे हो मारे दोस्त का नाम, राम राम कर दो यार, अब बीजेपी का पार्क भी देख लो, जाड़े जाम रेस में पार्क में तो जाड़े जामेंगे, जाड़े गले हैं लोग देख तो ले जाड़े ही, हम तो मौज ले रहे और देखी जाओ यार, आज पर टाइम आवा मौज लेने का, अपना टाइम आएगा है। तो भाई धूल थार रखी है इलेक्शन की धूल। हाँ आ जाओ जी, आ जाओ। इब तो डमडमा हो लिया लगभग है, के नाम आपका? ठीक ठाक, राजपाल। कौन सा काम है? रिंडाणा। राजपाल किसका राजा होगा? राजा जिसका भी लेने लग रहे उसका। गेरा है वोट, वोट गेरा है। और क्या दिखाओ, निशान दिखाओ। हाँ गेरा, बीड़ी बिगा रहे हो, बीड़ी पे हो भाई, धुमादार। तो भाई गांव रिंडाणा में अगर राम राम, इसमें कोई दो राय को नहीं है कि भाई गांव रिंडाणा में जो पोजीशन है, क्योंकि भाई इंदुराज नरवाल की अगर बात करा, राम राम भाई, राम राम। इंदुराज नरवाल का गिल्ला गांव लग रहा है। हाँ भाई तू किस मंडेर पर बैठा है भाई? वोट दे अपनी इंदुराज की, दे आए के? दे आए, दे ये राय वोट है। तो क्या पोजीशन है गांव में, किस है? एक तरफा भाई, एक तरफा है। कितनी वोट है गांव में? गांव में भाई 4500। 4500 कितने गेर दोगे? पूरी 4000 तो ऊपर। कहते 4600 गेर दो। ना ना है, फिर ठीक है। तो भाई पुलिस प्रशासन की भी जब बात करा, तो पुलिस प्रशासन है, हाँ हाँ उनने भी संभालेंगे सारे ने। पुलिस प्रशासन की जब बात करा, तो भाई पूरी तरह मुस्तैद है पुलिस प्रशासन, और भाई पूछेंगे। हाँ जी राम राम जी, हमारे दर्शकों ने भी राम राम कर दो जी, कैमरा मैन देखूंगा थोड़ा नजदीक आ जाए, दूर तो मुंह को दिखे भाई, साफ देंगे भीतर। अच्छा नहीं हुआ तो भीतर तो जो चाहे रहे, बाहर की जो सुरक्षा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, करके माहौल शांतिपूर्ण है, शांति, कोई हल्ला दंगा रुका में? अच्छा जी, चलो धन्यवाद जी। ठीक, क्या नाम है जी आपका? यशपाल। यशपाल सिंह, ठीक है, बहुत बढ़िया जी, मुस्तैद है भाई, और खाखी तो उम्मीद हो सेवा सुरक्षा सहयोग की, और जो ड्यूटी लग रही है ड्यूटी ने संभाल रहे हैं, और जो तो यू है भाई मतदान केंद्र,
और मतदान केंद्र यानी के मतदान केंद्र के अंदर किस तरह की हलचल चल रही है, के मामला है, वह भी सुखब घाट लेवांगे। यानी के भाई योगेश्वर पहलवान भाई, हाँ, कौन सा गांव भाई तेरा? अपना यो ही गांव है, के नाम है? सोमदेव। हाँ, क्यों करके पोजीशन है गांव में, के मोल है? बढ़िया प्रोग्राम अभी तो रिंडाणा गांव है, ये तो गढ़ है इसका, के नाम है कांग्रेस का जो प्रत्याशी है, दिक्कत ना इसने बतेरे खड़े खोद रखे बालू ने। अच्छा, हाँ, बालू तो खड़े खोदन के हो भाई, है चलो खड़े भी देखे भाई, खोद कौन और भरा कौन है। राम राम जी। तो भाई भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के साझा उम्मीदवार योगेश्वर दत्त मार गेला मौजूद है। हाँ जी, राम राम करते जी। अच्छा पहलवान जी, क्यूकर के पोजीशन है, कितने बूथा पर आप घूम लिए यार, क्यूकर के मामला है? बढ़िया भाई, सब कुमार पूरे शांतिपूर्ण है, सब में बड़ी बात जो है, जो हम चाहते हैं कि जहाँ भी हो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होता रहे, वो होने लग गया है और जनता खूब मतलब खूब वृद्धावासी वोट डालने लग रहे हैं जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम। अच्छा पहलवान जी, जैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल पड़ा है गेले, मतलब जो है ना, जो कितने तो बात चल रही है, बूथ कैप्चरिंग के प्रयास चल रहे हैं, कोई नुका वोट खरीदने के प्रयास चल रहे हैं, कोई नुका अभी एक पार्टी हजार रुपया वोट खरीद रही है तो दूसरे को ऊपर आरोप लगे सिलेंडर दिए जा रहे हैं, कोई नुका 10 का नोट दिया जा रहा है, के मामला चल पड़ा है? कांग्रेस लग रही है, अपना खड़े होकर लागे रहने दे, हमने अपना काम करना। अच्छा जी, बोले हाथी अपनी चाल चलेंगे। हाँ भाई, तो क्या लगा ओवरऑल आपने फिलहाल, आपका कॉन्फिडेंस क्या है? बहुत बढ़िया माहौल है, आशीर्वाद जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। इस बार बड़ौदा वासियों ने बड़ौदा के विकास के लिए, बड़ौदा के उल्टा गिर मारा कैमरामैन उलट जाएगा, की प्रगति के लिए वोट कर रहे हैं इस बार यहाँ पर। अच्छा एक मिनट तीर्थ भाई, आपने भी प्रचार प्रसार में और कसर कौन छोड़ी, के लगा आपने जो उसका परिणाम की बात कर? सबसे पहला तो भाई साहब, ये मतदान बड़ी शांति तो हो रहा है पूरे बड़ौदा हल्के में, सबसे बढ़िया बात यह है। और हम 10-12 गांव में अभी घूम का आए, सारे का बहुत ही अच्छा माहौल है और एक बड़े अंतर से जो गैप है ना वो बढ़ता ही जा रहा है, लोगों ने समझ लिया 4 साल थे बाकी और जन पार्टी के साथ चलना गैप तो बड़ा है, तो बड़ा है नहीं जीत का। चलो अभी देखेंगे भाई, यू गैप कित बड़ा है और भाई खड़े खोदन की बात कही जा रही है और खड़े मुंदन की बात कही जा रही है, तो तीर्थ भाई खड्डे की बात कही जा रही है, कोई नुका खड्डे खोद दिए? क्या खड्डे खोद दिए, सारे रोड बना दिए, देखियो गामा में रोड बना दिए, बढ़िया। कोई बालू के ऊपर आरोप लावा है कोई, कि मैंने का बोले खड्डे सुना हो, ये चलते रहते हैं जो बालू ने करा उसके आका होगा जो, ये तो सब। तो आपका कॉन्फिडेंस क्या हुआ जो प्रचार प्रसार? कॉन्फिडेंस है भाई साहब, पूरा आत्मविश्वास है, जनता ने जो प्यार मान सम्मान दे रही है जहाँ भी जा रहे हैं उसके उससे बता रहे हैं हम एक अच्छी जीत। तो 12:07 होगी जी, तो कितना के मतदान ओवरऑल जो आपके पास जानकारी आई कितना हो गया? 40% के आसपास पहुंचे है। यहाँ भी कितने 45-50 है, नहीं आ रहा जैसे इस बूथ की अगर बात करें, एक दो बूथ पे बुझे हमने 500 से भी ज्यादा हुई है बूथ पे। अच्छा शुरू में जो मतदान की जो रेशो बढ़िया करे नी उस तरह की न्यू अंदाजा लाग रहा है, कितने कितने जो है ना सरकार के अगेंस्ट मतदान हो अग्रह, तो ईब जो फिलहाल जैसे एकदम से सवेरे सवेरे जो मतदाता आए उमड़े एकदम से, तो बहुत मतलब आकर्षित थे वोट गिरने खातर, घना जी कर रहा था, चाह रहे हैं जी ज्यादा ज्यादा वोटिंग हो, जितनी भी ज्यादा वोटिंग हो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो। चलो भाई पक्ष और विपक्ष का भी देखेंगे, वो तो खेल के ऊपर चल लगा। तो ये भाई भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के साझा उम्मीदवार योगेश्वर दत्त और भाई तीर्थ राणा। तो कुल मिलाकर भाई यूं तो हमने देखा भाई अलका बरोता का गांव रिंडाणा का दृश्य है, और ईब चलो भाई मारे गए अगले जो और बूथ हैं उनके ऊपर भी तो हमने दिखावांगे के डमडमा चल रहा है, और कितने कितने न्यू भी सुनने में आ रही है कि ईवीएम मशीन की हैकिंग का मामला भी चल रहा है, तो उसमें सच्चाई कितनी है वो भी तरती दिखावांगे, और 2 आदमी पुलिस ने गिरफ्तार भी करे हैं उसकी सच्चाई खातर तो हम बने रहो संसार क्रांति के लिए। ठोको शेर, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू भाई, राय की मैं बात रह गई तो कहते फिर को हमारा नंबर नहीं पड़ा था कौन सा रह गई तो, हाँ मर्यादित सुनो एक मिनट मर्यादित भाषा में कोई की मैं कह लो भाई, हाँ बता गिर आई ताई बोर्ड बढ़िया ठीक गिर आई फोटो के सीधे लाइव देखने लग रहे हैं, राम राम करते मार राम 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 बोल चलो गिर आई ठीक ठाक गिर आई बोर्ड एक के ऊपर दबे बटनक दो पर
एक बताना मुश्किल हो रहा। चलो भाई न्यू हम जो है मतदाताओं पर न्यू पूछेंगे वोट किसकी गेरी, बस न्यू है मेन बात यह भाई भाईचारा बना रहो अपना। ये तो इलेक्शन तो आंदे जाते रहोगे लेकिन भाईचारा जरूरी है। हाँ भाई बता क्या कहता भैया बतावा। हाँ एक एक किलो घी, एक सिलेंडर की पर्ची और 500 रुपया वोट खरीदने लग रहे। मौज कर दी भाई। हाँ सबूत है जमा सबूत देंगे। पुलिस ने बुलाओ, पुलिस की गड्डी आवा है गेलगामा में दारू उतारने। बीजेपी आने की पुलिस साथ में आवा है, दारू उतार रहे हैं। प्रशासन के सहयोग देंगे हम, सारे वीडियो भी देंगे भाई। प्रशासन के सहयोग उनका काम करे, उनका काम कर रहे हैं। किसान की जड़ता मान ले भाई, जिसके आरोप में सच्चाई है तो यो काम इलेक्शन तो पहले कर दें दे भाई। इलेक्शन जीत इलेक्शन नहीं हो रहे बैंड की जरूरत नहीं भाई साहब। वही तो हमने कहा जीत इलेक्शन नहीं हो रहे होड़े भी बैंड दो भाई, दूसरी जगह बैंड दो। क्यों जी जींद वाला वोट देखना रे मुंद बिना दंदी बैंड लाके तो सारे ही बैंड दो। एक और करो दे गिनती विरोधम नहीं कर दे गिनती बाद में दोगी। एक कर्मचारी ने घाटा ऐसा तो चुनाव आयोग का जो सिस्टम है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं, वो तो उनका अपना सिस्टम है। वो सरकार और प्रशासन की अलग अलग नीति है। ये अरे पिया हुए इनका तो कोई जवाब लेनी है नहीं। सिलेंडर मिला नहीं किसने, हम तो इन गाड़ी तार दे बिना ले पहले मार दिया किसान हराम है कदे नु मानने को कांग्रेस ही। हाँ दाता हो तो ऐसा हो जो भाई इस लालच में को नहीं आंदा भाई सिलेंडर मिलेगा या फिर 1000 रुपया वोट खरीदी जाओगी जिप जाके वोट करांगे। तो भाई आम तो कहा विरोधा के विकास का हक में वोट गे रहो और भाई मतदान ने जमा जो है ना बहुत ठंडे तरीके से होने दो, मतलब लठम लठा ना हो भाई। तो ठोको शेर मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान जय किसान जय हरियाणा जय भारत। पीपली में लाठे मार दिए मारे मारे धान 1500 से 1600 पिटन लग रहे 40,000 का खर्चा। सुन धान भाई सुनो 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 धान की आज की डेट में 2600 का रेट है मंडी में। देखो हमने पर्ची दिखाऊंगा मैं अपने तड़के चक्की में हो जो तड़के चक्की में हो जो। तो भाई इसे दाल की रंग रंगीला जो अंदाज है हल्का विरोधा की चुनावी उठा पटक है तरता बने रहो संसार क्रांति के लिए। और भाई हल्का विरोधा के रंग देसी पत्रकार धर्मों के संग कर दो शेयर।